हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आपका सवाल है कि इनमें से क्या सबसे बड़ा है। चांद ऑफ कोर्स राइट, लेकिन ये देखो हाथी। दीदी वाह दीदी, आप चाहे ये एक मीम है लेकिन सचमुच में ऐसे कई महारथी हैं जिन्होंने अपने ब्रेन का 110% इस्तेमाल करके ऐसे बेतुके जवाब दिए कि आप भी अपना माता पीट लोगे। लेकिन सबसे बड़ा धक्का आपको ये सुनकर लगेगा कि 8.25 करोड़ के सवाल से पहले एक शो में हुआ था 4 करोड़ वाला पोकेमोन पे सवाल। फैक्ट भाई आज आपके लिए ऐसे शो भी लाया है जो कंटेस्टेंट से भी ज्यादा डंब है, तो और सीट पे बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जीवन दान। कहते हैं कि जब किसी चीज में उलझन हो बुजुर्गों के पास चले जाओ लेकिन वो खुद ही उलझ जाए, तो ऐसा केबीसी के 12वें सीजन में हुआ जब हेमलता पावागढ़ी हॉट सीट पर बैठी थी। उनके हिसाब से उनका फ्यूज पहला प्रश्न देखकर ही उड़ गया था, जहां उन्हें पूछा गया कि इनमें से क्या एक तरह के चम्मच यानी स्पून का प्रकार है, और ऑप्शन थे टेबल, चेयर, ड्रॉअर और कपबोर्ड। आप चाहे आपका किचन में आना जाना कम हो पर इसका जवाब टेबल ही है, ये तो कोई भी बता सकता है। पर नहीं, हेमलता ताई ने जवाब देने से पहले लाइफ लाइन लेनी पसंद की और पूरे क्वेश्चन को ही बदल डाला। लेकिन 1000 के लिए स्ट्रगल वाली इन दीदी को बोंदू मत समझना, ये शो से पूरे 25 लाख जीत कर घर गई थी। और आज सिर्फ इन्होंने ही नहीं, केबीसी में कई लोगों ने अपने पहले सवाल में ही लाइफ लाइन का उपयोग किया था और आगे जाकर अच्छी धनराशि भी जीती थी। यानी हर किसी को बस एक जीवन दान की जरूरत होती है। नंबर 2, टीचर का ही तब्बागुल। आपका टीचर कैसा हो? आप टीचर के लिए कोई भी ऑप्शन चुनो, बस वो ज्योति मचे जैसा नहीं होना चाहिए। बोले तो ये मैडम साहबा बीएड से लेकर एमएससी की पोथियां पढ़कर टीचर बनकर केबीसी के मराठी वर्जन पे पहुंची थी। वहां 4 सवालों के सही जवाब दिए लेकिन 5वें सवाल ने मुश्किल कर दी। सवाल था छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कौन से किले पे हुआ था, और ऑप्शन थे ये ए प्रतापगढ़, बी शिवनेरी, सी सिंहगढ़, डी रायगढ़। बिना ऑप्शन सुने ही आप रायगढ़ कह चुके हैं राइट। पर ये मैडम महाराष्ट्र से होकर मराठी केबीसी खेल रही थी, पर इन्हें इतिहास का आई भी नहीं पता था। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग पूछते हैं उनसे जुड़े सवाल पे वीडियो कॉल की लाइफलाइन लेकर इन्होंने ऑप्शन डी पे ताला लगाया, और भले लाइफलाइन लेकर ये गेम में आगे बढ़ी और इन्होंने 1,60,000 तक जीते, पर इससे जनता खुश नहीं हुई। उनका एक ही कहना था, देश के टीचर्स ही ऐसे होंगे तो बच्चों का भविष्य तो गया 12 के भाव में। नंबर 3, सानिया का डबल फॉल्ट। आज हम बात करेंगे सानिया भट्ट के बारे में। अरे नहीं नहीं नहीं, फैक्ट भाई कंफ्यूज नहीं हुआ, मैंने बस सानिया मिर्जा और आलिया भट्ट के जीके को एक कर दिया है। क्यों हिला डाला ना? और जब आप सानिया मिर्जा के केबीसी में दिए गए जवाबों को देखेंगे तो आप भी यही पूछेंगे कि बहन जी कहाँ से पढ़कर आई हैं। लेकिन चलो, समझ भी लिया कि सानिया हॉट सीट पर थोड़ी नर्वस हो सकती हैं। पर जब जवाब देने की बारी आई तो इन्होंने सारी हदें पार करके ऑप्शन सी यानी वाटर कह दिया। I'll go with C water. सोचो जिनके बारे में अमिताभ के केबीसी में सवाल पूछे जाते हो और वो खुद ही जब जवाब गलत दें तो कैसा लगता है। पर शरारत एक तरफ और सानिया के किए गए देश के प्रति काम दूसरी तरफ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन्हें लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था। पर सच कहना, इनके रिटायरमेंट के बाद इन्हें विंबलडन में कमेंट्री करते देख अच्छा लगा था या नहीं। नंबर 4, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं नहीं, अदिति शीतल है, मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना। जैसे सीन में अक्षय कुमार हैंग हो गए थे वैसे ही केबीसी में एक कंटेस्टेंट हैंग हो चुके थे। हुआ कुछ यूं था कि बिग बी ने जब कंटेस्टेंट से पूछा कि अगर संगीता अमर के पिता की बहन है तो अमर संगीता का रिश्ता क्या होगा, तो भाई साहब एक गहरी सोच में पड़ गए थे और उनको देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि उनकी अपनी बुआ से खास जमती नहीं, क्योंकि जवाब था बुआ भतीजा। लेकिन जब ये जवाब नहीं दे पाते तो उन्हें अपनी लाइफलाइन याद आती है और ले लेते हैं ऑडियंस पोल। अब चाहे इन्हें आंसर डी है इसका पता चल गया, मगर उनका क्या जिन्होंने इस सवाल का जवाब ए यानी बहन भाई भी दिया था। लगता है सबके यहाँ बुआ भतीजे की नहीं जमती है। नंबर 5, ऑडियंस पोल की शक्ति। आज की जनरेशन इतनी फास्ट एंड फास्ट हो गई है कि पैदा होते ही हाथ में फोन और स्कूल पहुँचते ही कंप्यूटर पे हैकिंग सीख जाती है। पर अफसोस, अंकल जी आज की जनरेशन से थोड़ा पहले दुनिया में आ गए और इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही अंकल जी से हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर में ये सवाल पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए कौन
सा कंप्यूटर प्रोग्राम यूज होता है। वो हक्के बक्के रह गए, पर इस आसान से सवाल का जवाब न आने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कर डाला ऑडियंस पोल लेने का ऐलान। लेकिन सामने विराजते होस्ट का चेहरा भी देखो, डिसअपॉइंटमेंट के इससे बेहतर डेफिनेशन भला कौन होगा। खैर, अंकल ने कितनों को ही डिसअपॉइंट कर दिया, पर ऑडियंस पोल ने उन्हें निराश नहीं किया। फिर गया 97% ऑडियंस के साथ उन्होंने भी डी एक्सेल को चुना और पहुंच गए अगले पड़ाव पे। नंबर 6, ये कौन सा पोकेमोन है? क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो कि आप केबीसी की हॉट सीट पे हो और खुद अमिताभ बच्चन आपसे 14 क्वेश्चन पोकेमोन पे पूछे? नहीं, राइट? लेकिन ये सच्ची घटना थी। टॉबी मोर के साथ अब कंटेस्टेंट को जिताना था तो ऐसे ही जिता देते। 15 सवाल में से 14वां सवाल, इनमें से कौन सा पोकेमोन नहीं है, क्यों? Which of the following characters is not considered a Pokemon? लेकिन हद तो ये थी, शो इस बुद्धूगिरी पे रुका नहीं ना, ऑप्शन तो सवाल से भी आसान दे दिए। ऑप्शन ए जिग्लीपफ, बी फ्रोडो, सी स्क्वर्टल और डी पिकाचू। अब शो तो शो, तो भी शायद उससे भी बुद्धू होने का खिताब चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले 50-50 लाइफलाइन से सी और डी ऑप्शन को हटवा दिया। लेकिन इसके बाद भी जब उन्हें अपना जवाब में डाउट की बू आई तो ये 4 करोड़ से ज्यादा के सवाल पर क्विट कर गए। कहा गया ना इनकी बेवकूफी पे आपका भी सर चक्कर। लेकिन भाई लोग, केबीसी का पापा बोले तो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर अकेला डम सवाल करने वाला शो नहीं है। जूनियर एनटीआर, जिन्होंने तेलुगु केबीसी का सीजन 5 होस्ट किया था, उसे भी लोग डम भी कहते हैं और शायद आप भी कहो, क्योंकि इनके सवाल और जवाब का ऑप्शन ही ऐसा है जैसे मेहंदी कहाँ नहीं लगाई जाती, और इसके ऑप्शन है ए जबान, बी पैर, सी हाथ और डी पान। अब ये तो कुछ भी नहीं, अगला सुनो। इनमें से किसे टीवी का चैनल चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए टेप रिकॉर्डर, बी डीवीडी प्लेयर, सी फ्लैश ड्राइव और डी रिमोट कंट्रोल। अब कह दो कि ये सवाल बेवकूफी भरे नहीं है, नहीं कह सकते ना, पर शो को डिफेंड करते हुए कई लोगों ने बताया कि ऐसा डम सवाल शो में 2 रीजन से पूछे जाते हैं। रीजन 1, शो का प्लेटफॉर्म आम आदमी के लिए है, तो जूनियर एनटीआर के सवालों से नर्वस होने के बजाय आसान सवालों से कंटेस्टेंट को कॉन्फिडेंट फील हो सके। रीजन नंबर 2, हॉट सीट पर बैठने से पहले भी कंटेस्टेंट को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और कई राउंड का चैलेंज पूरा करना होता है, इसके बाद सीट पे बैठकर भी उन्हें बिना पैसों के भेजना सही नहीं है। अब इन्हें कौन समझाए कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। नंबर 7, पापा को फोन लगाओ। बाजी ऐसी खेलो कि 4 लोग बोलें कि आप हार जाओगे, लेकिन जॉर कारपेंटर की खेली बाजी ने जब लाइफ लाइन यूज करके अपने पापा को फोन लगाया, तो सब मान चुके थे कि अब खेला खत्म। मगर ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने ना सिर्फ शो के मेकर्स को धुंधला के रख दिया बल्कि वो हु वांट्स टू बिकम अ मिलियनेयर के पहले विजेता भी बने। हुआ ऐसा कि ऐसी शेर दिली रखने वाले जॉन हॉट सीट पे काफी कूल बैठे हुए थे और जब उनके सामने सवाल रखा गया तो उन्होंने लाइफ लाइन की मांग की और तुरंत कहा कि मेरे पापा को फोन लगाओ। I like to call my parents right now. My father. I'll talk to my father. Does Tom. He have a name? Tom. He does have a name, yes. Tom. और जब उसने अपने पापा से बात की तो सबको लगा कि जॉन की मदद मांगने की घड़ी आ चुकी है, पर ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने अपने पापा को बताया कि मुझे बस इतना बताना था कि मैं $1 million जीतने वाला हूँ क्योंकि मुझे जवाब पता है। Hi, Dad. Hi. I don't really need your help, but I just wanted to let you know that I'm going to win $1 million. लेकिन चाहे इनके कॉन्फिडेंस पर दुनिया भर ने हंसी उड़ाई हो, पर जब जवाब आया तो वो $1 million जीत गए। इतना ही नहीं, जब जॉन हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के चैंपियंस एडिशन में लौटे तो तब भी उन्होंने $2,50,000 जीते थे। नंबर 1, गणित के महारथी। गलती एक बार होती है और जरूरत 2 बार होती है, और केबीसी की एक कंटेस्टेंट ने ऐसी जरूरत 2 बार की। पहली बार जब उनके सामने ये सवाल रखा गया जिसमें पूछा गया था कि सादा गणित करके ये बताओ कि कौन सी नोट्स को जोड़ के सबसे ज्यादा कीमत मिलेगी, लेकिन इसके लिए बेंजी ने लाइफ लाइन लेने का फैसला किया। What? इनफैक्ट इस पर तो बिग बी भी काफी शॉक हो गए थे, और इसके बाद जब यही दीदी अगली बार हॉट सीट पर बैठी थी तो उनकी ट्यूबलाइट फिर से ऑफ हो गई थी, मगर इस बार अमिताभ ने उन्हें हौसला देते हुए कहा, सोचिए, दिमाग लगाइए। लेकिन इन्होंने सोचते वक्त यही सोचा कि लाइफ लाइन लेनी चाहिए। अब इस हालत में तो बहन को लगा होगा कि काश वो केबीसी के पहले किस सीजन में आ जाती जहां शूट कबूतरों की आवाज से रुक जाता था और फिर क्रू को उन्हें भगाने के लिए सलियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो भाई लोग, ये थे वो कंटेस्टेंट जिन्हें
एसी भी नहीं आता और कईयों की नैया तो खाली लाइफ लाइन के चलते ही टिकी रही। लेकिन न सिर्फ बस ये पर और कई कंटेस्टेंट हैं जो जवाब के साथ सवाल में भी उलझ गए थे। जानने के लिए साई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। जय हिंद।